अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो सीवी का स्टाइल कुछ ऐसा होता है, लेकिन अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीख के जापान में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जापानीज में सीवी कैसे लिखते हैं और इन पॉइंट्स को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और अपना भी बना सकते हैं। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। और हमें सबसे पहले पता है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है एक्यूरेटली मेंशन करना, चाहे वो इंडिया के लिए हो, चाहे जापान के लिए हो, या फिर किसी और कंट्री के लिए हो। इसमें सिखाने का तो कुछ भी नहीं है, इतना तो कोई भी कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा। हम मेनली देखेंगे शिबो दोकी और जिको पीआर, जिस पर आपका लगभग सारा सिलेक्शन निर्भर होता है। जापानी सीवी का फॉर्मेट आपको थोड़ा गूगल सर्च करने से कहीं से भी मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको अपनी फ़ोटो लगानी होती है, अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह लिखने होते हैं। इसके बाद यूजुअली होता है गाकुरेकी यानी कि एकेडमिक्स, या शिकाकू यानी कि सर्टिफिकेशंस, मतलब ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, आपको जब अपना एकेडमिक्स भरना होता है तो आप जैपनीज में लिख रहे हैं, और ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज का नाम तो काताकाना या इंग्लिश अल्फाबेट्स में ही आएगा, लेकिन उसको शुरू और कंप्लीट कब किया यानी कि डेट्स वगैरह ये सब जैपनीज में होना चाहिए। मैंने देखा है कि कई बच्चे कुछ सब कुछ इंग्लिश में लिख देते हैं और फिर कहते हैं कि सर चेक कर लो, यानी डेट्स जैसी छोटी मोटी चीज़ें भी जो N5 का बच्चा भी ट्रांसलेट कर ले, वो भी वो जहमत नहीं उठाते जापनीज में कन्वर्ट करने की, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखते हैं कि जापनीज क्रूअल होते हैं ऑन ऑल दैट। यही छोटी छोटी चीज़ें जिससे जैसे फॉर्मेटिंग टेढ़ी मेढ़ी है, या फिर फॉन्ट साइज अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का है, जो कि कॉपी पेस्ट जैसा किया हुआ लग रहा है, GLPT को भी ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है, उसमें डेट या ईयर गलत है, या फिर अटेम्प्टेड लिखा है जो मांगा ही नहीं है। अगर अटेम्प्टेड है यानी कि आपने अटेम्प्ट किया है, तो यानी आप अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि मैंने फेल किया है, जबकि मांगा सिर्फ ये गया है कि पास कितने लेवल हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इसमें क्या गलत है, मैंने अटेम्प्ट तो किया ही है। तो देखिए, अपने आप को जस्टिफाई करने में बच्चे जितना एफर्ट लगाते हैं उतना ही वो फोकस से फिसल जाते हैं, क्योंकि जापान में यही छोटी छोटी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैंडिडेट से बात भी करनी है या नहीं है। तो आप चाहे जापानीज को इस मामले में स्ट्रिक्ट बोलें, लेकिन मैं एडवांस्ड बोलूँगा, क्योंकि जापान में जॉब का मतलब है सीरियस मैटर। तो इसलिए जितना हो सके अपने आप को जस्टिफाई ना करें, आपका डेटा जापनीज में हो लेकिन सही जापनीज, और अगर आप किसी से चेक नहीं करा सकते तो बेटर है कि शॉर्ट लिखें या रेफरेंस लेकर लिखें, बस सही लिखें और छोटा लिखें, क्योंकि हर जगह भी ज़बरदस्ती जापनीज घुसानी नहीं है। ऑलराइट, अब आते हैं मेन सेक्शन पर, जो कि है जिको पीआर या शिबोदोकी। इसमें भी मैंने प्रीवियस जॉब रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह नहीं डाला है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट वही बात है कि शॉर्ट, एक्यूरेट और करेक्ट जापनीज होनी चाहिए। तो देखिए, एग्जाम्पल्स से पहले आप इनका मतलब अच्छी तरह से समझिए, ताकि कंटेंट बिल्ड करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कंटेंट एक्यूरेट भी रहे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाएँ, या जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो उसके सही आंसर कर पाएँ, क्योंकि ये दो पॉइंट सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो डिसाइड करते हैं किसी कैंडिडेट का हायर होना या ना होना। देखिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के दम पे भी जॉब मिलती है, लेकिन जापान में नहीं, अगर इनमें अगर आपने गलती कर दी तो। देखिए, जिको पीआर का मतलब होता है सेल्फ प्रमोशन, यानी कि आप में ऐसी क्या बात है कि हम आपको हायर करें। ज़रूरी नहीं है कि इसको डायरेक्टली पूछा जाए, रेज्यूम फॉर्मेट में डायरेक्टली लिखाओ, इसको अलग अलग लैंग्वेज में भी या फिर क्लियरली भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या कोई ऐसा इवेंट या एक्सपीरियंस या स्टोरी या कोई एग्जाम्पल है आपकी लाइफ में जहाँ आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। रिज्यूम में तो लंबी कहानी नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि उस इवेंट से पता लगाए गए हों, या नटशेल में कहूँ तो आपकी उन स्ट्रेंथ्स को कवर करें जो आपने उस एग्जाम्पल से रिफ्लेक्ट किए हुए हों, वो पॉइंट्स आपके करियर से भी मिलते जुलते होने चाहिए और थोड़ा बहुत जॉब रिक्वायरमेंट से भी मिलते जुलते होने चाहिए। जैसे फैक्ट्री वर्कर के केस में आप कह सकते हैं कि मेरे स्कूल में मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी पार्ट प्ले किया है, जिससे मेरी बॉडी स्ट्रेंथ या मस्कुलर पावर में भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, या कुछ भी जो आपने सच में किया हो, आपकी पर्सनालिटी से मैच करे और सच भी हो, क्योंकि झूठ मूठ का जो गप्पे होती है वो इंटरव्यूअर्स पकड़ लेते हैं, जो कि मैंने अपने स्कॉलरशिप वीडियो में भी समझाया था। यहाँ जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उन्हें भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि बिना अपना दिमाग लगाए कॉपी पेस्ट करने से डिमोटिवेशन ही हाथ लगेगी, इसलिए कॉपी पेस्ट और रेफरेंस का डिफरेंस समझिए। और बहुत जल्द हम nihongomax.com के जॉब सेक्शन में भी ऐसे बहुत सारे सीवी के टेम्पलेट्स डालेंगे, जिनको आप रेफर करके जापानीज लैंग्वेज में अपना सीवी बिल्ड कर सकते हैं। और बाय द वे, अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं तो, या फिर सीखना चाहते हैं तो, हिंदी में 5000 से भी ज़्यादा ऑडियोज़ में N5 से लेकर N1 तक, वोकेबलरी, ग्रामर, दोकाई चौकाई, बिजनेस जापानीज 0 से लेकर एडवांस तक,
या फिर जापनीज लोगों को कैसे जापनीज लैंग्वेज में इंग्लिश सिखाई गई है, तो ज़रूर देखिए nihongomax.com। तो देखिए, जैसे मैंने अभी nihongomax.com का प्रमोशन किया सिर्फ 20 सेकंड में, तो बताने के लिए तो काफ़ी और भी फीचर्स हैं, लेकिन मैंने कम से कम शब्दों में सिर्फ मेन फीचर्स बताए। इसी को कहते हैं जीको पीआर। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे शिवो दोकी। शिवो दोकी का अगर सिंपल वर्ड्स में मतलब बताऊं तो व्हाट इज़ योर मोटिव टू ज्वाइन दिस जॉब, मतलब आपका मोटिव क्या है ये जॉब ज्वाइन करने का। अब इसमें एक बात तो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि भाई जॉब करने का क्या मोटिव हो सकता है, मनी, स्टेबिलिटी, करियर एक्सपीरियंस क्या। लेकिन ये सब नहीं, इसमें असल में वो जो पूछना चाहते हैं वो है कि क्यों हमारी कंपनी में ही आपने अप्लाई किया है, यानी ऐसा क्या है हमारी कंपनी में या हमारे सेक्टर में या फिर हमारे एरिया में, आपका विजन किस तरह से हमारी कंपनी के विजन से मैच करता है। देखिए, लोगों को इसका असली मतलब ही नहीं पता होता, और इस सेक्शन को भी वो चाहे CV बनाना हो चाहे इंटरव्यू हो, बहुत कैजुअली ले लेते हैं, और इसमें भी अपने बारे में अलग अलग एंगल से बताने लग जाते हैं, जबकि आपको कंपनी बिजनेस के एंगल से अपने बारे में बताना होता है। तो इसका असली मतलब समझिए पहले। और एक बात और कि सेम बिजनेस करती हुई दूसरी कंपनीज भी तो हैं, या ये काफ़ी मुश्किल पॉइंट हो सकता है बताना कि यही कंपनी क्यों, सेम बिजनेस करती हुई दूसरी कंपनी क्यों नहीं। तो इसके लिए पहले आपको उस पर्टिकुलर कंपनी और साथ साथ उसके क्या यूनिक फीचर्स हैं जो सेम बिजनेस करती हुई दूसरी कंपनी से अलग उसको रखते हैं, और कैसे आप उस स्केल में फिट हो जाते हैं। तो देखिए, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है कि आप अप्लाई करते हो उस कंपनी के बारे में भी थॉरो रिसर्च करिए, तो ही काम चल पाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया या वेबसाइट्स का ज़माना है जिसमें हर डिटेल होती है हर कंपनी के बारे में, और स्पेशल ऐसी साइट्स भी हैं जो आपको इस एंगल को डिटेल में लिखना सिखाती हैं। इस वीडियो से भी आप ये रेफरेंस ले सकते हैं, और कोशिश करिए कि आपका मैटर कंसाइज और एक्यूरेट रहे। एक दो बार फेलियर होने पर ही आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी सक्सेसफुल होने की। एक दो बार फेलियर होने पर बच्चे डिमोटिवेट होके बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जापनीज हायरिंग सिस्टम को, बिना डिस्कवर करे कि यहीं से उनका सक्सेस पाथ शुरू हो गया था। कोई बात नहीं, आपको ऐसा नहीं बनना है। अब एंड में हाइगुशा डिक्लेरेशन वगैरह होती है, जो आपने फैमिली या मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको भरना होता है, और बस इससे ज़्यादा लंबा एक्सपेक्टेड नहीं होता। अगर कंपनी का अपना खुद का फॉर्मेट है जिसको भर के आपने अप्लाई करना होता है, तो वो भी ऑलमोस्ट यही सब पूछते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह में, बट मैटर यही रहता है। और आखिरी बात कि जितने अच्छे आपके जापनीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही अच्छा आपका जॉब प्रोस्पेक्ट हो जाएगा हायरिंग का, जिसके लिए आज से आप पढ़ना शुरू कीजिए nihongomax.com से। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब हंटिंग। थैंक यू सो मच।